What is up YouTube? Welcome back to another video. You're watching Dano Hammu. So, आज के दिन मैं अभी सोकर उठा हूँ, ठीक है? और मैं पूरा वक्त दिखाऊंगा कि मैंने आज के दिन पूरा वक्त घर में रहकर क्या किया. तो अभी मैं सोकर उठा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया. और अब देखते हैं कि क्या किया जाए. So let's see what we do. तो अभी मैं नहाने जाऊँगा थोड़ी देर तक, सही है? उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं हम. So let's see. देखा जाए तो पूरी रात बारिश होती रही है, अल्लाह ताला की रहमत बरसती रही पूरा वक्त. और माशाल्लाह अब बहुत ही प्यारा मंज़र हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आसमान को, बहुत ही प्यारा है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र है यार. अब तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, मेरी फेवरेट, सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट पौधे ये देखें. ये भी मेरा बहुत फेवरेट है और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है. तो देखते हैं इसकी सबसे प्यारी बात मुझे क्या लगती है. ये देखिए कितना खूबसूरत है और ये मुझे ठंडा ठंडा सा महसूस होता है इसको टच करने से. ये है खजूर का. अब मुझे पक्का याद नहीं कि ये जो है ये मदीने वाली जो वो होती है काली वाली खजूर, ये वो वाला, मैं उसका नाम भूल गया, मुझे याद था. बहरहाल ये उसका पौधा है, ये उसका पेड़ बनेगा इंशाल्लाह या किसका मुझे याद नहीं. बहरहाल ये है और ये सऊदीया की ही खजूर का है. इसकी शाख माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये देखें गौर से, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है. और आते हैं अब इसके ऊपर. माई लीस्ट, बस लीस्ट फेवरेट नहीं बोलूँगा, बस सही है अल्हम्दुलिल्लाह. बहरहाल ये भी बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है. इसके पौधे भी आ रहे थे और ये वाला मैंने फूल काट दिया था कैंची से, और क्योंकि उसके अंदर हशरात बहुत ज़्यादा हो गए थे. हशरात जो होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, सऊदी अरबी में हशरात कहते हैं. तो ये बात है, अभी फ़िलहाल तो इतना ही है. सुभान अल्लाह. तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो हूँ मास्क किस तरह पहनता हूँ. ये देखें इस तरह मैं मास्क पहनता हूँ. ये है मेरा मास्क जो मैं सऊदी से लाया था, ये यहाँ से भी मिलता है और ये मैंने यहाँ से ख़रीदा है, ठीक है? सबसे पहले मैं ये चढ़ाता हूँ. यहाँ से बहुत ही हमें ख्याल रखना है कि हवा यहाँ से अंदर ना जाए. और ये जो मास्क है ना, ये बहुत अच्छा वाला मास्क है, क्योंकि ये जो है अंदर से वाटर प्रूफ है. क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जहाँ पे मेरा मुंह टच हो रहा है यहाँ पे अगर मैं पानी भरूँ ना, तो वो ज़रा सा भी लीक नहीं होगा. ये बहुत अच्छा वाला मास्क है. तो यूँ मैं डबल मास्क पहन के जाता हूँ बाहर. सही है, इस तरह सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी. और ग्लव्स भी पहन लो, वो मैंने डिस्पोज कर दिए. बहरहाल ग्लव्स भी पहने आप. जाग जाओ हमजा भाई, वेक अप. तो ये डिसाइड किया मैंने पहनने के लिए, तो ये पहनेंगे नहाने के बाद. सो गाइस मैं नहा कर आ गया हूँ और अब हो रही है बारिश. बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत ही बारिश हो रही है. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बारिश आसमान में. सुभान अल्लाह माशाल्लाह बारिश. तो अब वक्त है मेरे नाश्ते का, सो चलो अब नाश्ता करते हैं. ये रहा मेरा केचप एंड मेयोनीज, माय फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट ये मेरा केचप है. जब मैं यहाँ आया था पाकिस्तान में, तो वो जो बड़ी सी बर्मिल होती है ना केचप की, एक होती है बरहाल, एक गैलन होता है केचप की बॉटल का बहुत बड़ा सा, वो मैं अपने साथ यहाँ लेकर आया था क्योंकि मुझे केचप बहुत ज़्यादा पसंद है. तो वो ख़त्म हो गया, फिर मैंने दोबारा मंगवाया था. फिर जब वो भी ख़त्म हुआ तो फिर मैंने जो वो बोला कि रहने दो, नहीं चाहिए. तो अब बस ये मुझे पसंद आ गया हल्का सा.
ये है, तो आपने देखा ये बहरहाल। चलो अब नाश्ता करते हैं। ओके गाइस, सो अब हमने नाश्ता कर लिया, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग बहुत ही जल्द आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और वो है ये है, दिस इज अ लेजर एज यू कैन सी। बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक जाता है, और हमजा भाई ने इससे माचिस भी जलाई थी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जो है ये इसके पैटर्न है, जैसा कि आप ये छत पे देख सकते हैं, और एक ये है ये लाइट। तो ये बहुत अच्छा है, रात को हम फिर इसके साथ खेलेंगे, और ये भी एक तरह से टाइम पास के लिए ये बहुत अच्छा आ जाता है कि अब हमें घर पे वक्त गुजारना है तो ये हो जाए। लेकिन मैं खेलूँगा पबजी, और अब मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ। कल रात को तो मैंने अपने लैपटॉप के अंदर पबजी मोबाइल की हुई है, तो जैसे ही वो अपडेट आती है ना, तो फिर उसको अनइंस्टॉल करके उसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है, तो फिर उसका नया वर्जन आ जाता है। तो कल हुआ क्या, अब जैसे कि अब सीज़न 12 आया है, तो वो पुरानी थी, हमने कब से नहीं उसमें खेली थी, तो मैंने वो डिलीट कर दी पूरी की पूरी। और फिर जब उसको दोबारा इंस्टॉल किया मैंने, तो अब फिर वो उसमें एरर आ रहा है, तो अब वो समझो अब हम लैपटॉप में पबजी खेल ही नहीं सकते। ये बात है, हमजा भाई तो बोल रहे थे कि यार ये क्या किया, ये अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल मैंने बोला अब क्या कर सकते हैं, एरर है। और मैंने GTA 5 भी इसके अंदर इंस्टॉल की हुई, लेकिन उसके अंदर भी एरर आ रहे हैं। बहरहाल ये मसले हैं। तो बताओ कोई मेरी मदद कर सकता है, तो अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि मेरा लैपटॉप के अंदर जो भी इंस्टॉलेशन इशू है। और मैंने पबजी खेलने के साथ साथ, इन पबजी खेलने के लिए मैंने ये भी बनाया था, ये था ट्रिगर, आई मीन ये ग्रिप थी, ठीक है। इसके अंदर हम मोबाइल यूँ करके स्लाइड करते थे, इस तरह यूँ करके, और फिर वो लग जाता था। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। तो ये है वो ग्रिप जो मैंने बनाई थी, ये इस तरह ये पबजी के लिए, ताकि जब ये ग्रिप मैं इधर लगाऊँ तो ये ग्रिप यहाँ पर आ जाए, यूँ करके यहाँ इस तरह ये ग्रिप आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह है मोबाइल, इसके अंदर यूँ स्लाइड होता है, और फिर हम यूँ करके खेलते हैं, यूँ करके बहुत ही आराम से हम खेल पाते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी गेम चलती है। और ना सिर्फ पबजी बल्कि मैं इसके अंदर गैंगस्टर वेगस न्यू ऑर्लियंस भी खेलता हूँ, वो भी बहुत मज़ा आता है खेलने के अंदर इस गेम इसके अंदर। और बहुत ही अच्छी ग्रिप, बहुत अच्छी चीज़ मैंने बनाई है ये DIY कार्डबोर्ड से, इसके ऊपर फिर मैंने मार्कर कर दिया। और मूवीज़ देखने के लिए भी अच्छी है एक तरीके से, क्योंकि हम जब मूवीज़ देखते हैं तो फिर हमारे हाथ इन्हीं ग्रिप मिल जाती है, हमें ना पकड़ने के लिए मूवीज़ हम आराम से देख लेते हैं जब हम लेट के मूवी, यानी यूँ करके पकड़ लिया मोबाइल को, यानी जिस तरह से भी दिल चाहा पकड़ लिया, तो यूँ मूवी हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं इस पे लगा कर। तो ये हमारे नेबर्स हैं, ये यहाँ पे साइड पे फुटबॉल की, ये क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिर ये इनकी बॉल आई है, ये बॉल आई थी इनकी, तो अब मैं इनको दूंगा, ये लो। ओके बाय बाय। ये भी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, ये हमारे नेबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो खेल ही नहीं, ये रहे बहाली जा रहे, यहाँ पे ये क्रिकेट खेलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा इनका बैट। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमटों से कटवाता हूँ और खजूर के दनों पर तुमको सूली देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और कैफा है, यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूँ या मूसा तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। सूरह आराफ के अल्फाज ये हैं, इन हाजा लमा देता हूँ। सलीब या सूली देने का कदीम तरीका ये था कि एक लंबा शहतीर सा लेकर जमीन में गाड़ देते थे। असर का वक्त हो चुका है, 4 घंटे गुजर गए, और अभी मैंने नोटिफिकेशन के ऊपर न्यूज़ देखी है, वो बता रहे हैं कि एक सेकंड पढ़ने दें, लाहौर के अंदर
एक मौत वाकई हो गई है COVID-19 की वजह से, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप लोग घर के अंदर रहें, जो हो सकता है वो मदद करें ताकि मिलके हम इस मसले को सॉल्व करें। हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ कन्फर्म वन डेथ ऑफ COVID-19 इन लाहौर। तो ये बात है कि एक मौत वाकई हो गई लाहौर के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, इसी वायरस की वजह से। तो प्लीज़ घरों में ही रहना है। 4 घंटे गुजर गए अभी फ़िलहाल, 4:37 हो रहे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया इतने टाइम में और अब मैं क्या करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, पहले असर पढ़ लूँ। सो गाइस, फाइनली अब असर भी ख़त्म हो गई है काफ़ी टाइम गुजरने के बाद। अब हो रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा शाम का वक्त भी हो चुका है, तो क्यों ना मैं अपनी आप ही को बोल के पकोड़े और इस तरह हम चीज़ें खाएं, पकोड़े बनवाऊं। तो ये देखिए पकोड़े, पकोड़े ये हैं आलू की कतलियां, आलू की केतली, ये हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो शाम का वक्त ये था मेरे पास, तो मैंने गेम्स भी डाउनलोड किए। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, मैंने आपको बताया था कि मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको जो मैंने डाउनलोड की अपने फ़ोन के अंदर, वो है एंग्री बर्ड्स की गेम। उसका मैं नाम आपको ज़रा चेक करके बताता हूँ, 2 मिनट। तो जो मैंने एंग्री बर्ड की गेम डाउनलोड की है उसका नाम है ड्रीम ब्लास्ट। वो आप डाउनलोड करें, बहुत ही अच्छी गेम है और उस पर तो मुझे समझो आधा घंटे से भी ज़्यादा लग गया। वो बहुत अच्छी गेम है और मेरे पास ढेर सारी गेम्स, लेकिन मैं खेलता हूँ कभी कभार, ज़्यादातर नहीं, थोड़ी थोड़ी गेमें खेलता हूँ। जैसे कि पबजी तो मैं ज़्यादातर खेलता हूँ, और मैंने एक पबजी के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है जिसके ज़रिए मैं जो पबजी की जो रेजोल्यूशन है, हर्ट्स है, डिस्प्ले है, उसको जो है मैं 60 हर्ट्स पे चला सकता हूँ। तो वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसका नाम, बस मैं वो भी चेक करके बताता हूँ, 2 मिनट। का नाम है बैटल ग्राउंड एडवांस ग्राफिक टूल, वो आप डाउनलोड करें, उसके ज़रिए आप अपनी पबजी की जो रेजोल्यूशन है उसको आप HDR पे भी लेके जा सकते हैं और उसकी जो रेजोल्यूशन जो है 60 हर्ट्स भी कर सकते हैं। तो उससे एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। वो मैंने डाउनलोड की और उससे तो अनबिलीवेबल स्क्रीन रेजोल्यूशन हो गई है, मज़ा आ गया है। उसका भी मैं आपको, क्या नाम है, जब खेलने लगूँगा तो उसकी भी रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम पकौड़े खाते हैं। सो गाइज, दिस इज इट, दिस इज पकौड़ा। यहाँ बेसन के भी हैं, आलू एंड मज़ेदार से क्या कहते हैं, बैगन। तो ये है मज़ेदार से पकोड़े, लेट्स ईट। गाइस ये है चटनी, हरी चटनी, केचप, ग्रीन चिली, ग्रीन सॉस एंड केचप एंड मायोनीज। गाइस अब हम क्या करेंगे, अब मैं खेलूंगा पबजी, ये चीज, हाँ जी पबजी, अब होगा मुकाबला, ठीक है। तो हम पबजी खेलते हैं, मैं रिकॉर्ड करूंगा स्क्रीन को और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसा खेला। और मैं सिर्फ एक मैच आपको दिखाऊंगा, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी वो असॉल्ट की थी, इस बार मैं आपको इस वीडियो के अंदर डोमिनेशन का मैच दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो आप सजेस्ट करेंगे फिर वो मैच मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल डोमिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। और हमजा भाई का आइडिया था कि हम अभी मैं पबजी ना खेलूं, क्योंकि मौसम जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोल्डन आसमान है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, अगर आपको गोल्डन आसमान दिखे तो इसका मतलब है कि आपके गोल्डन डेज हैं। वो देखिए माशाल्लाह, जैसे कि कितने ज़्यादा पतंग उड़ी है, ये देखें। अब जाहिर सी बात है, अब कोई काम नहीं है, घरों में ही बैठना है सब बच्चों ने, तो अब यही हाल होगा। अब मना तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब देखें ना, अब कौन आएगा रोकने के लिए। तो
सो गाइस गाइस ये है मेरे फ्रेंड जिनसे मैंने दोस्ती की हुई है। क्या मेरे पर डोर नहीं है? गुड्डा मेरे पास दो है। सो गाइस ये है मेरे दोस्त जी। अच्छा सही है, ये दोस्त है मेरे गाइस। ठीक है, यहाँ पर इन दोस्तों के साथ साथ मेरा ये डॉग भी फ्रेंड है। ये है डॉग और इसको भी हम हेलो हाय कह देते हैं, जैसे कि हम लेजर से इससे बातें करती हैं और इस तरह। आपका इन भाई का होगा, ये तीन भाई हैं। तो गाइस अभी मैं वीडियो अपनी एडिट कर रहा हूँ, यही वाली वीडियो जो अभी मैं जिस पे भी काम कर रहा हूँ, जो भी मैं बना रहा हूँ। बहरहाल तो मुझे ये वीडियो बनाते हुए समझे मगरिब से इशा का टाइम हो गया और अभी तक मैंने पबजी नहीं खेली क्योंकि अभी इतना ख़ास दिल नहीं चाह रहा था पबजी वगैरह खेलने का। तो अब जैसे ही ये वीडियो थोड़ी सी एडिट होगी, क्योंकि ये बड़ी वीडियो है, ठीक है ना, थोड़ी बड़ी है, तो इसको भी मुझे एडिट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। तो मैंने सोचा पबजी बाद में खेलेंगे, पहले काम करते हैं। तो वो मैं वीडियो अभी एडिट कर रहा हूँ और फिर एंड में थोड़ी पबजी वगैरह खेल के फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस वीडियो एडिटिंग करते हुए अब मेरे खाना खाने का टाइम हो गया है, तो अभी जो है 9:30 हो रहे हैं। तो अब मैं हाथ धोने जाता हूँ। सबसे पहले हाथ धोना ज़रूरी है और हाथ धोने के बाद हम खाना खाते हैं। So let's go. Wash our hands. हाथ धोते हैं। हाथ धोने हैं। इस तरह यूं धोने और फिर यूं धोने। हाँ तो वो अच्छे से धोना है और फिर थोड़ा सा हाथ हैंडल पे भी डालना है, ठीक है, हैंडल पे, और फिर उसके बाद बंद करके थोड़ा सा बंद करके। Let's eat with me, मजेदार चना आओ खा जाते हैं मिलकर। Okay guys, so अब हमने खाना खा लिया है। खा रहा हूँ मैं ये वाले, ये मेरे फेवरेट हैं। और एक और मेरा फेवरेट है जो अंदर लोडेड होती है चॉकलेट, उसके अंदर ना वो बहुत मज़ेदार होता है। मज़ेदार है। तो मैं जानता हूँ, मैं सुबह से कह रहा था कि हम पबजी खेलेंगे, लेकिन हम नहीं खेल पाए क्योंकि इंटरनेट इतना अच्छा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पबजी खेलेंगे, ठीक है गाइस। और अभी मैं व्लॉग एंड करता हूँ क्योंकि अभी 10 बज गए हैं और मैं इस टाइम सो जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मिलते हैं आपको एक नई अगली वीडियो के अंदर, और हो सकता है या इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो आप मुझे बताइए, मैं कल भी वीडियो इस तरह की बनाएंगे, इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह मिलकर। अच्छा लगा मुझे व्लॉग बना के सारा दिन। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं इस वीडियो के अंदर, कमेंट करें अपनी बेस्ट पार्ट और मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।